ओम अज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जब भगवान की स्वयं की आठवें पुत्र के रूप में बारी आई जन्म लेने की, उससे पहले भागवतम में बड़ा महत्वपूर्ण और सुंदर वर्णन किया गया है कि भगवान किस प्रकार से देवकी के गर्भ में आश्रय लेते हैं। जीव इस भौतिक संसार में पुरुष के शुक्राणु उसके वीर्य के द्वारा, वीर्य के अंदर में आत्मा आश्रय लेती है और उसके द्वारा एक स्त्री के गर्भ में स्थानांतरित होती है। हम लोग इस प्रकार से जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान के जन्म की जो महत्वपूर्ण जो प्रसंग बताया गया भागवतम में, उससे मात्र हम समझ सकते हैं कि भगवान का जन्म दिव्य है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि भगवान वसुदेव के मन में सबसे पहले प्रकट हुए। भगवान सीधा देवकी के गर्भ में नहीं गए, सबसे पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए। हमारे मन में भी, हमारे हृदय में भी भगवान है, लेकिन वो प्रकट नहीं है, हम उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं, हम उनका अनुभव नहीं कर सकते हैं। आकाश में सूर्य है, लेकिन अगर वो बादलों से ढका है या हमारी आंखों के सामने बादल हैं, तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन जब माया के बादल छट जाएंगे तब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे, तब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। मतलब क्या है? वसुदेव का मन पूर्ण रूप से शुद्ध था। अशुद्ध मन में भगवान प्रकट नहीं होते हैं। पूर्ण रूप से जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान सबसे पहले वसुदेव के मन में प्रकट हुए, और बताया जाता है जब भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए तो कैसा है, जैसे मानो सूर्य वहां पर प्रकट हुआ हो। असंख्य सूर्य प्रकट हो जाते हैं इस ब्रह्मांड में, तो हम एक सूर्य को देख सकते हैं। अगर असंख्य करोड़ों सूर्य एक साथ आ जाएं, तो वो भी जो है कोई तुलना नहीं कर सकते हैं भगवान के प्राकट्य से। और वसुदेव का मन पूर्ण रूप से शांत और प्रसन्न है। उसके बाद भगवान वसुदेव के मन से उनके वीर्य में नहीं गए, भगवान वसुदेव के मन से सीधे देवकी के गर्भ में आश्रय लेते हैं। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। बहुत सारे वेदों में
भागवतम में ही बहुत सारे उदाहरण हैं। नरसिम्हा भगवान एक खंभे से प्रकट हुए। भगवान का वराह का रूप ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए। तो ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण देख सकते हैं कि भगवान जो हैं कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान के लिए जरूरी नहीं है कि पुरुष के वीर्य से ही भगवान जाएंगे स्त्री के गर्भ में। तो ये भगवान का दिव्य प्राकट्य होता है, ये हमको समझना है। अब जब भगवान देवकी के गर्भ में गए, देवकी के बारे में बताया जाता है कि ऐसे प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि अभी वो कारागार में है, उनकी अलौकिक सुंदरता बढ़ गई। देवकी पहले ही सुंदर थी, लेकिन जब भगवान ने उनके गर्भ में आश्रय लिया तो देवकी की सुंदरता अलौकिक हो गई। लेकिन वो कारागार में बंद हैं, तो उसका देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया है। देवकी ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो अग्नि, अग्नि जो है जब खुले आम से जलती है तो कितनी सारी रोशनी होती है उसमें, उसमें बहुत ताप होता है। लेकिन अगर आप अग्नि को एक डब्बे में बंद कर दो तो खुले प्रकार से अग्नि प्रकट नहीं हो पाती है। तो क्योंकि देवकी कारागार में थी, उसकी अलौकिक सुंदरता पूरे विश्व में उस प्रकार से प्रकट नहीं हो पाई। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, कोई व्यक्ति बहुत शिक्षित है, बहुत विद्या है, लेकिन वो विद्या का प्रयोग नहीं कर पा रहा है लोगों को वो विद्या प्रदान करके। तो देवकी की अलौकिक सुंदरता है लेकिन वो कारागार में बंद है। लेकिन भागवत में कहा है कंस पहचान गया, देवकी की अलौकिक सुंदरता को देख करके उसको ये भरोसा हो गया कि हो ना हो अब भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में आश्रय ले लिया है। और फिर कंस विचार कर रहा है, मैं क्या करूं, क्या देवकी को अभी भगवान ने आश्रय ले लिया है गर्भ में, देवकी को क्या मैं मार दूं, क्या ये सही रहेगा। इस प्रकार से कंस अनेकों प्रकार के विचारों में खोया हुआ है। फिर वो सोचने लगा कि अगर मैं एक गर्भवती स्त्री को मारता हूं जिसके गर्भ में कोई पुत्र है या संतान है, तो मेरी जो मेरा यश है, मेरी जो रेप्यूटेशन है पूरे संसार के अंदर में, वो पूरी नष्ट हो जाएगी। और अगर हमारा यश नष्ट हो गया, अगर हम बदनाम हो जाते हैं, तो वो सोच रहा है कंस इससे बढ़िया तो मृत्यु है ना, तो अगर मैं मर भी गया तो वो बेटर है बदनाम होने से बढ़िया। तो ऐसा सोच करके उसने निश्चय किया कि जैसे मैंने बाकी संतानों के जन्म होने की प्रतीक्षा की थी, इस संतान के प्रतीक्षा मैं करूंगा। तो ऐसा सोच करके कंस ने जो है ये घिनौना कार्य नहीं किया कि अपनी बहन को गर्भवती अवस्था में उसने नहीं मारा। लेकिन अब कंस इतना घबरा गया है कि 24 घंटे वो केवल भगवान नारायण के बारे में सोच रहा है। लेकिन कैसे सोच रहा है, भक्त जो होता है वो भी 24 घंटे भगवान के बारे में सोच सकता है, वो प्रेम के द्वारा सोचता है। लेकिन कंस कैसे सोच रहा है, ईर्ष्या के कारण, भगवान से शत्रुता के कारण, एक शत्रु के रूप में
सोते हुए, उठते हुए, कार्य करते हुए केवल उसके मन में विष्णु भगवान जो हैं वही घूम रहे हैं, क्योंकि वो उसके मौत का कारण बनने वाले हैं। ये भक्ति नहीं कहलाती है। केवल भगवान के बारे में सोचना मात्र भक्ति नहीं है, वो भी कृष्णा भावनामृत था, कृष्णा की भावना में डूबा है, लेकिन अनुकूल रूप से नहीं, प्रतिकूल रूप से। भक्ति वो होती है जब हम भगवान के बारे में अनुकूल रूप से सोचें, एक शत्रु दुश्मन के तरीके से भगवान के बारे में सोचना भक्ति नहीं कहलाती है। लेकिन उसका फल उसको मिला कि जब वो भगवान के द्वारा कंस बाद में मारा गया, कंस भी जो है इस भौतिक संसार से मुक्त हो गया। तो कंस जो है अब 24 घंटे भगवान के बारे में सोच रहा है। अब जब देवताओं को यह पता चलता है कि भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में है, वो अदृश्य रूप से उस कारागार में प्रकट हुए, मतलब किसी को दिखाई नहीं दिए, और भगवान की स्तुति उन्होंने करनी प्रारंभ की। देवकी के गर्भ में भगवान हैं और उन्होंने अपनी स्तुति वहां पर प्रारंभ की। पहले में वो कहते हैं कि हे भगवान, आप सत्यव्रता हैं। सत्यव्रता का मतलब होता है जिनका वचन हमेशा सत्य होता है। हम लोग कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, तो असत्य हो जाता है, या हम कुछ बोलते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। भगवान ने जो वचन दिया है, भगवान उसका कुछ भी करके पालन करते हैं। अब आप देखिए, ये बड़ा सुंदर उदाहरण है समझने के लिए। भगवान ने भगवद गीता में वचन दिया है, कौन्तेया प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेया, सारे संसार से कह दो मेरे भक्त की मैं रक्षा किसी भी हालत में करूंगा। अब देखिए, इस वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने नरसिम्हा का ऐसा अद्भुत रूप धारण किया जो भगवान ने पहले इस प्रकार का रूप हमें नहीं दिखाई देता है। देखिए, वराह का रूप है भगवान का, मत्स्य का रूप है, अनेकों प्रकार के, लेकिन ये जो नरसिम्हा का रूप है बड़ा अद्भुत रूप है, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए थे कि अब लग रहा था कि उसकी कोई मृत्यु, कोई हत्या नहीं कर सकता है। लेकिन जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके, क्या क्या वरदान प्राप्त किए थे, मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात को नहीं मरूं, मैं घर के अंदर ना मरूं, मुझे कोई घर के बाहर ना मार सके, जमीन पे ना मार सके, आकाश पे ना मार सके, कोई मनुष्य ना मार सके, कोई जानवर ना मार सके, कोई देवता ना मार सके, सभी प्रकार से उसने जो है अनेकों प्रकार के वरदान प्राप्त कर लिए थे। लेकिन देखिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने अद्भुत रूप धरा, न देवता का रूप, न मनुष्य का रूप, न जानवर का रूप, आधा मनुष्य आधा जानवर, नर सिम्हा। नर भी हैं और सिम्हा भी हैं। किस लिए? केवल अपने भक्त के प्राण की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त की परित्रण आए साधु नाम। तो भगवान ये करते हैं। और भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है, देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम्। जब भी धर्म की ग्लानि होती है, भगवान आते हैं, तो देवता बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान ने जो भगवद गीता में कहा है भगवान वही कर रहे हैं। भगवान ने कहा है कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है, और ये अधार्मिक असुर जो है धर्म की ग्लानि में लगा हुआ है, अधर्म का बढ़ावा कर रहा है, अब इसका विनाश करने के लिए
जैसे भगवान ने देवताओं को ब्रह्मा जी के द्वारा उन्होंने जो है समझाया था, बताया था कि भगवान जल्द आने वाले हैं, भगवान अब उन्होंने आश्रय ले लिया है देवकी के गर्भ में। अगला वो कहते हैं सत्य परम, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, राजा तो राजा होता है, अगर राजा जेल में जाता है तो क्या वो अब राजा नहीं रह गया, क्या वो भी प्रिजनर बन गया है? डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, वो पेशेंट नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल जनरली हम लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल का मतलब वहां पर पेशेंट होते हैं, लेकिन डॉक्टर भी आता है। इसी प्रकार से जनरली जेल में कौन आते हैं? प्रिजनर लोग, कैदी लोग आते हैं जिन्होंने अपराध किए हैं। लेकिन कई बार प्रेसिडेंट भी जाता है, तो जब प्रेसिडेंट जाता है इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट भी अब वहां पर एक कैदी बन गया है, प्रिजनर बन गया है। तो सत्य परम का मतलब कि भगवान ऐसा नहीं है कि आपने देवकी के गर्भ में अब आश्रय ले लिया है, अब आप भगवान से मनुष्य बन गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि मूर्ख लोग सोचते हैं कि जब भगवान संसार में आते हैं, मानुषिम तनुम आश्रिता, भगवान भी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। लेकिन यहां पर देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप फिर भी सत्य परम हैं। सत्य परम का मतलब होता है जो हमेशा रहता है, जो सत्य हमेशा रहता है, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में। हम लोग, ये जो मेरा शरीर है पहले नहीं था, अब है, भविष्य में नहीं रहेगा, तो ये सत्य नहीं है, ये परम सत्य नहीं है। लेकिन भगवान परम सत्य है। भगवान सृष्टि के पहले भी रहते हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, और सृष्टि विलीन होने के बाद में भी रहते हैं, इसलिए भगवान को सत्य परम कहते हैं। और बड़ी थोड़ी सी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं ये देवतागण करते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।